कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अच्छा एक और बात देखिए मजे की, मैंने वायदा किया था 2500 का, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2640। मैंने वायदा किया था 2500 का, मिल रहा है 2640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए आज 2640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कुछ ही समय में 3000 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा, वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था? मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, मैंने गाड़ी खरीदी है। और जो हमने कर्जा माफ किया, हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए, हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया, मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है, गांव में खर्च करता है ना,